हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आशा है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुका है रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी को अब स्टेशन मास्टर बनने के लिए GDC एग्जाम के द्वारा कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री का जरूरत नहीं होगा। क्या इसका मांजरा है दोस्तों, वीडियो में डिटेल से हम चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कि आपको अब स्टेशन मास्टर बनने के लिए ग्रुप डी से, डायरेक्ट स्टेशन मास्टर बनने के लिए ग्रुप डी से आपको क्या करना पड़ेगा। कोई भी ग्रेजुएशन का जरूरत नहीं है। अब रेलवे जो मिनिस्ट्री है एक लेटर जारी करके आज ही इसका पुष्टि कर दिया। तो आइए दोस्तों डिटेल से जानते हैं। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि जो स्टेशन मास्टर का जो भर्ती होता है उसका कौन कौन जो माध्यम है, मतलब किस किस माध्यम से भर्ती होता है। तो दोस्तों क्या है कि जो आपका 60% जो वैकेंसी होता है रेलवे में स्टेशन मास्टर को, उसका दोस्तों आपको डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होता है NTPC के द्वारा, उसके द्वारा भरा जाता है 60% वैकेंसी। इसके बाद दोस्तों आपका जो 25% वैकेंसी है वो GDC के द्वारा भरा जाता है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के द्वारा। इसके बाद दोस्तों आपका जो 15% वैकेंसी बचा वो आपका LDC के द्वारा भरा जाता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के द्वारा, ठीक है। और जो ये LDC में जो एलिजिबल होते हैं वो केवल जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि पॉइंट्स में ग्रुप डी के, वो इसमें LDC में एलिजिबल होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करेंगे, जो 25% जो GDC के द्वारा जो रिक्रूटमेंट होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये नोटिस आया है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि GDC में क्या है, पहले क्या था, अभी भी वो चीज़ है, पहले वाला नियम है वो भी अभी भी है, और जो अभी ये नया आया है वो भी लागू होगा, ठीक है, दोनों लागू होगा। तो पहले नियम क्या था दोस्तों, या अभी भी है आपका, कि GDC में आपको एग्जाम देने के लिए कोई भी आपको क्राइटेरिया नहीं है, बस आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। सर्विस इसमें जरूरत नहीं है कि 2-3 साल आपको सर्विस रहेगा तभी आप GDC का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एम्प्लॉय हैं, या आप रेलवे ग्रुप डी का, मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको ग्रुप सी अप कर दिया गया है, तो आप, मैं ग्रुप डी ही बोलता हूँ क्योंकि सारा चीज अभी वही है, कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों क्या है कि जो भी रेलवे ग्रुप डी का एम्प्लॉय है, अगर उनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है और अभी अगर ये स्टेशन मास्टर का वैकेंसी आता है GDC का, तो वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है कि अब ये बदलाव क्या आया है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं भी होगा तब पर भी आप रेलवे का जो स्टेशन मास्टर का एग्जाम है उसको आप दे सकते हैं, बशर्ते क्या है कि बस आपको रेलवे ग्रुप डी का एम्प्लॉय होना चाहिए। एक कंडीशन और क्या है दोस्तों इसमें, कि जो बिना ग्रेजुएशन का एग्जाम देने के लिए आपको क्या है कि पॉइंट्समैन होना होगा। और प्लस में दोस्तों, जो लोग मतलब रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन होंगे, अगर जो उनकी नौकरी का 5 साल पूरा हो गया होगा, तो उनको दोस्तों GDC एग्जाम देने के लिए कोई भी आपका ग्रेजुएशन का डिग्री का जरूरत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, या तो आपके पास GDC एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, या तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है तो आपको पॉइंट्समैन होना होगा, और आपका जो सर्विस है 5 साल पूरा होना होगा। ये दो कंडीशन रेलवे ने लागू कर दिया ये जो अभी, तो इससे दोस्तों क्या है आपका जो पॉइंट्समैन होंगे उनको दोस्तों फायदा होने वाला है, क्योंकि जो लोग अगर ये जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं होगा अगर वो पॉइंट्समैन बन गए होंगे आपका, तो उनको अब ग्रेजुएशन का डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 5 साल बाद ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है उनके पास, फिर भी वो रेलवे का जो स्टेशन मास्टर का LDC का एग्जाम होता है उसको वो दे सकते हैं, ठीक है। तो और क्या है दोस्तों कि वो जो पहले वाला नियम था उस पर कोई हेरा फेरी नहीं हुआ है। आपका जो वो है, आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, अगर जो ग्रेजुएशन का डिग्री है तो रेलवे का कोई भी जो एम्प्लॉय है ग्रुप डी का, वो भी स्टेशन मास्टर का फॉर्म भर सकता है। तो वीडियो का लास्ट में दोस्तों आप यही समझिए कि जो ये 5 साल वाला रूल आया है वो केवल पॉइंट्समैन के लिए आया है, यानी कि पॉइंट्समैन में ड्यूटी अगर जो आपकी पॉइंट्समैन में रेलवे ग्रुप डी के तौर पे आपकी ड्यूटी 5 साल हो जाती है और आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप GDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेशन मास्टर GDC का अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी और भी जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं दूसरे डिपार्टमेंट के, उनके पास अगर जो ग्रेजुएशन का डिग्री है, ठीक है, तो वो भी स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल पहले ही वो कर सकते हैं। लेकिन जो ये जो पॉइंट्समैन पर जो लागू हुआ है
वो 5 साल बाद ही कर सकते हैं बिना ग्रेजुएशन का, 5 साल पहले वो नहीं कर सकते हैं बिना ग्रेजुएशन का, ठीक है। लेकिन कर सकते हैं 5 साल बाद भी, तो केवल पॉइंट्समैन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो है आपका और भी डिपार्टमेंट के लोग कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होगा, 5 साल पहले भी कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो काफ़ी आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी टाइप का वीडियो दोस्तों आने वाले समय में पाने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अभी तक आप नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम आने वाले दिनों में GDC LDCC से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर लाने वाला हूँ और उसका तैयारी का भी वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।